मैं अपना तबसरा करना चाहना जना हसाक साहब ने अपना स्टीवन सैकर नू बीबीसी हार्ट टॉक का इंटरव्यू दिता 1 दिसंबर नू। पहले तो खूब गरजरिया इमरान खान की हुकूमत है कि वो बिल्कुल नलायक है, ना वो कम च होंदा पिया, ना कुछ होंदा पिया, ते सारा इनफ्लेशन बढ़ी है, कोविड बढ़ी है, पाकिस्तानी बड़े परेशान ने, अपना महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है कि वो को मुल्क ही नहीं संभालिया पा जाता। फिर उन्हें अपना गल शुरू की अपनी हसाक डार साहब न कि तुम इतने किस चक्कर के गलबन 3 साल तो मेडिकल ट्रीटमेंट वास्ते आए हो। कहता जी हाँ बिल्कुल मैं मेडिकल ट्रीटमेंट वास्ते आया, ढा हाली ट्रीटमेंट खत्म ही नहीं पाता। फिर और गल् शुरू हो गई, इंटरव्यू शुरू कर दिता गया कि ढा अपना जरा है नामे भी ना है। कहता जी मेरा ना नहीं गा, मेरी फैमिली का ना है। फिर उस तो बाद करता 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 होर उन्हें बड़े सवाल पूछे कि अपना कहना अपना ते को अपना हसाक साहब किन्ने घर ने। वो कहता जी मेरे को कोई घर नहीं है, मेरा तो सिर्फ एको ही कोठी है जनी वह भी खोलती इमरान खान की हुकूमत ने। तो उस तो बाद मेरे बच्चों को सारा कुछ उन्होंने बिजनेस 17 साल तो बिजनेस करते रहे दुबई के, वो इंडिपेंडेंट ने, जवान ने, तो मेरा कोई तलक नहीं उन्होंने को लेगा। फिर और गल करता करता फिर अपना हसाक साहब ने फिर अपना इमरान खान की नलैकी से खूब बहस की है कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क करता, डॉलर का बेड़ा गर्क करता, कानून का बेड़ा गर्क कर दिता, मुल्क ने कोई चलता नहीं पाया, अपना कोई सारी इनफ्लेशन इतनी करती, इतनी महंगाई हो गई है, इतने लोग रोंदे मिटते हैं। बाकी मैं एडा वड्डा तबसरा तो नहीं कर सकता, सिर्फ थोड़े चंद मिनटा का ही तबसरा होएगा। बाकी फिर उस तो बाद अपना अपना वो कहता तू तो चोर है वड्डा, तू जाता क्यों नहीं। वो कहता जी हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं वापस चले जाऊंगा, अपना जे मैं डर है कि मैं नैब वाले अंदर ना कर दे। कहता तेरा जना वड्डा बॉस है नवाज शरीफ वो भी बिच चोर है, वो भी उन्होंने 10 साल की सजा हुई थी, फिर उन्होंने माफ की गई, सत कर दी, वो भी इतने मेडिकल ग्राउंड से पहुंचा है पर अजे तक नहीं गया। अपना वैसे बहस चलती रही तो फिर अपना काफ़ी गरजिया जना अपना हसाकदार भी तो पर जना उन्हें बेहतरीन गल्लां कीतियां ने जना साकर ने, उन्हें मैनू मनवाया पर भी नहीं मनिया कि मैं करप्शन की ही नहीं, मैं करप्शन की ही नहीं। अपना फिर उस तो बाद इस तरह गल्लां चलदियां रही बहस लंबी चाहिए पर क्रेडिट जाता है उन्होंने जना क्या ना है स्टीवन सैकर ने बड़ा उन्हें टफ इन टाइम दिता हसाक साहब ने। हसाक साहब ने तो मनना ही नहीं है, सारी दुनिया गवाह है। देखो पाकिस्तान के टैलीविजन से कितनी बहस चल पी है, कभी वह काशिफ इंटरव्यू पिया करता, कभी वह मालिक इंटरव्यू पिया करता, कभी हामिद मीर इंटरव्यू पिया करता, कभी कोई इंटरव्यू पिया करता, कभी वह इमरान खान रिहा दे इंटरव्यू पिया करता। उन्होंने बस अपना नौज मेला बना लिता उतो चुके कट सी ऑफ बीबीसी अपना क्या कर रहे अपना छोड़ो तुम अपना मैं फिर उधरों बाद उस अपना कहना तू इमरान खान की हुकूमत को गिराना चाहना, किस तरह गिराना चाहना, इमरान खान से जीत के आया। वो कहता कि यूरोपियन यूनियन के जो बॉस भी गया से, वो कहता धांधली हुई है पर इतनी धांधली नहीं हुई, बहुत शफाक इलेक्शन हुए सन। बाकी फिर अपना गल्ला करता कि नवाज शरीफ ने बड़िया गाला कटिया ने जो वाजपेयी ने ISS बड़ी उसकी फड़कास की है, वैसे हसाक की शर्मिंदा किया बड़ा, पूरी दुनिया के शर्मिंदा हो गया हसाक साहब तुम कुछ करते थानू कि सुझी थी कि तुम अपना जाके इतने बीबीसी के अब इंटरव्यू दियो, तुम अपना कोई गेन नहीं कुछ किया, अपना लॉस किया सारा कुछ। हम देखो उसे PDM जी इन्होंने अपना फिर कहता जलसे तुम कर लगे हो, तुम गिरा सको कि तुम नहीं गिरा सकते हुकूमत में, 5 साल ला के ही जाएगा। और बाकी मेरे रब रखा बस इन्नी तबसरा सलाम अलैकुम।